इस वीडियो में बात करेंगे NBCC इंडिया लिमिटेड के बारे में। NBCC में आप देखेंगे यहाँ पे आज के दिन तो गिरावट देखने को मिला, बात करेंगे पिछले 5 दिन में तो 7% से भी 7.5% से भी ऊपर का गिरावट देखने को मिला है पिछले कुछ दिन से। काफ़ी मतलब कह सकते हो यहाँ पे गिरावट में कंपनी नज़र आ रहा है आपको, जैसे तेज़ी में नज़र आ रहा था वैसे भी गिरावट में नज़र आ रहा है। और अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक न्यूज़ भी निकल के आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और गिरावट यहाँ पे आज हुआ है तो वो अलग की बात है। बाकी अगर हम बात करें NBCC में भी गिरावट, NHPC में भी गिरावट, SJVN में भी गिरावट, मतलब इरेडा, मतलब कह सकते हो काफ़ी सारे स्टॉक में लगभग आज के दिन गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिला है, चाहे वो रेलवे के सेक्टर के स्टॉक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। आप देखेंगे यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टॉक में गिरावट आज के दिन का पोर्टफोलियो आप खुद देख सकते हो अपना पोर्टफोलियो कितना हमें मतलब जो भी देखने को मिला आपको पोर्टफोलियो में। अगर 20 स्टॉक है तो उसमें 15 से ऊपर तो स्टॉक आई थिंक काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में ऐसा भी होगा कि 20 स्टॉक है तो 15 से ऊपर स्टॉक केवल गिरावट में ही नज़र आए होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन में काफ़ी गिरावट मार्केट में नज़र आया, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट गिरावट में ही है आज के दिन, मतलब कैसे तो गिरावट में ही क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। बात करेंगे यहाँ पे NBCC के बारे में, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पिछले 1 महीने में स्टॉक में अगर हम यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस क्या रहा है या फिर कह सकते हो कुछ दिन का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो मैंने आपको दिखाया 5 दिन के परफॉर्मेंस में 7.5% से भी पर गिरावट जो है कंपनी में यहाँ पे हमें जो भी कह सकते हो स्टॉक में हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं आज का परफॉर्मेंस क्या रहा, और एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, यानी आज का डिलीवरी मतलब क्या रहा, कितना करोड़ का डिलीवरी उठाया गया, फिर कह सकते हो कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ। उससे पहले देखेंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट आज के दिन, NIFTY 50 आज के दिन 1.11% की गिरावट में, सेंसेक्स 1.08% गिरावट, बैंक निफ्टी 1.34% गिरावट। गिरावट ये काफ़ी ऊपर मतलब कह सकते हो काफ़ी नीचे गिरावट हुआ था बट अभी थोड़ा रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। और NIFTY IT में 0.34% की गिरावट, S&P NBSE स्मॉल कैप में 1.94% की गिरावट। NBCC की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ दिन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस आप देखेंगे 4.17% की तेज़ी देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 150% से भी ऊपर रिटर्न दे चुका है। केवल 2024 की अगर हम बात करेंगे, केवल 2024 में हमें क्या रिटर्न देखने को मिला है, तो 60% से भी ऊपर का 61.64% के रिटर्न केवल 2024 में स्टॉक में देखने को मिला है। पिछले 1 साल में स्टॉक 290% दौड़ चुका है, पिछले 5 साल में आप देख सकते हो 140%, और मैक्सिमम पे आप देखेंगे यहाँ पे तो 1900% से भी ऊपर का स्टॉक में तेज़ी हमें नज़र आया है। अभी अगर हम बात करेंगे आपने कितने के प्राइस पे बाई किया है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहीं ना कहीं ये गिरावट लगातार जो हो रहा है एक मौका भी समझ सकते हो। बाकी अब फाइनल डिसीजन आपका है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइसर एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बात करेंगे आज का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके ऊपर, तो सबसे पहले तो आज के दिन गिरावट 4.37% का, मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑलरेडी बाई साइड में MO ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है 92 क्वांटिटी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवरी पोजीशन की अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, 1,08,76,005 क्वांटिटी ट्रेड हुआ आप देखेंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन का तो 56,84,390 डिलीवरेबल क्वांटिटी है। देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 52.27%, मतलब कह सकते हो 52% से भी ऊपर का डिलीवरी में आज के दिन बाइंग हमें स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि कह सकते हो काफ़ी अच्छा 50% से भी ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज आज के दिन हमें देखने को मिला है स्टॉक में, जो कि काफ़ी अच्छा कह सकते हो परसेंटेज हमें नज़र आ रहा है। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी जिस सेक्टर में कंपनी काम करता है वो नज़र आपको आएगा। NBCC लिमिटेड इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, जिसे आपको पता है नवरत्न एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक जैसे NBCC, NHPC, इरेडा और भी मतलब कह सकते हो रेलवे के स्टॉक्स। बाकी अगर हम देखेंगे कंपनी द को ऑपरेट्स इन द 3 मेजर सेगमेंट, प्रोजेक्ट आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग देखेंगे प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट आप देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे कंपनी काम किस मतलब किस अंडर करता है तो देखेंगे नवरत्न एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आप देखेंगे यहाँ पे काम करता है। फिलहाल थोड़ा क्वार्टर के ऊपर हम नज़र डालेंगे कि हमें क्या देखने को मिला था, तो सेल्स में कह सकते हो इंक्रीज हुआ क्वार्टर बेसिस पे, ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा अभी इंक्रीज भी हुआ। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे काफ़ी 85 से 94 करोड़, ईयर बेसिस पे 49 से 94 करोड़, तो कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा हमें इंक्रीज होता हुआ हर चीज़ हमें देखने को मिला।
बात करें थोड़ा इन्वेस्टर्स के ऊपर अभी के टाइम में, तो आप देखेंगे जो प्रमोटर का होल्डिंग 61.75% की है, FIS का होल्डिंग यहाँ पे 4.46%, पिछले क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए हमें दिखा, 4.14 से 4.46 हुआ, उसके पहले उससे कम था, उसके पहले उससे कम था, मतलब कह सकते हो लगातार FIS अपना होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। DIS की अगर हम बात करेंगे तो 10.21 से 10.41 ये भी इंक्रीज हुआ DIS का होल्डिंग, और बाकी आप पब्लिक का भी देख सकते हो 23.89 से 23.37। पब्लिक ने अपना होल्डिंग यहाँ पे घटाया हुआ है, बट और अदर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है हमें दिखा है, बट कह सकते हो आने वाले टाइम में क्या हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा बुरा खबर नहीं है जैसे कि कंपनी में ऐसा गिरावट हमें देखने को मिल जाए, बट कह सकते हो कि ऑलरेडी सेक्टर PSU सेक्टर ऑलरेडी गिरावट में ही है, तो ऑलरेडी कह सकते हो फ्लो में बहता है जैसे कि आपको पता है पूरा मार्केट। NBCC टू लॉन्च अब देखेंगे प्रीमियम अपार्टमेंट्स इन न्यू हाउसिंग स्कीम में, कह सकते हो कि प्रीमियम अपार्टमेंट्स यहाँ पे लॉन्च करते हुए हमें दिख रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूज़ कुछ मतलब पहले यहाँ पर निकल कर जो भी आया है, द NBCC हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड प्रीमियम अपार्टमेंट 3 BHK एंड 4 BHK कैटेगरी इन न्यू हाउसिंग स्कीम टू बी लॉन्च इन जून। जून में दोस्तों ये लॉन्च होने का मतलब कैसे चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, अफोर्डेबल अपार्टमेंट इन द वैकेंट लैंड अवेलेबल इन ग्रेटर नोएडा डिलेड, अब देखेंगे यहाँ पर अमरपाली प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है करके। आप देखेंगे यहाँ पे NBCC ने ग्रेटर नोएडा की आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमें देखने को मिल रहा है, विलंबित अमरपाली परियोजना में उपलब्ध कह सकते हो खाली ज़मीन पर आप कह सकते हो फियाफती अपार्टमेंट बनाने का आप देख सकते हो बजाय जून में लॉन्च होने वाली अपनी नई आवास योजना में 3 BHK और 4 BHK देखेंगे यहाँ पर श्रेणियों के प्रीमियम अपार्टमेंट बनाने का फैसला जो है किया है। और अगर हम बात करें NBCC 13,500 अपार्टमेंट बनाने और कह सकते हो 6,000 प्रति वर्ग फीट की दर से लॉन्च करने के लिए तैयार है, और NBCC के अधिकारियों ने कहा कि वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रीमियम अपार्टमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए कह सकते हो मतलब कि जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे बढ़ती मांग को कह सकते हो बढ़ती मांग को देखते हुए इस योजना में आप देखेंगे यहाँ पे फियाती अपार्टमेंट लॉन्च नहीं करेगी। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमने एक विशेषज्ञ कह सकते हो यहाँ पे विशेषज्ञ सलाहकार को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जो कि 13,500 अपार्टमेंट वाली हमारी नई आवास कह सकते हो परियोजना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। और हमारा लक्ष्य है अब देखेंगे हमारा लक्ष्य एक या दो महीने के मतलब कह सकते हो एक या दो महीने में सलाहकार को अंतिम रूप देने का कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि रुचि का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध और जारी होने के बाद हमने पहले ही सलाहकारों से आवेदन आमंत्रित कर लिया है। और NBCC के अध्यक्ष और प्रबंधन कह सकते हो यहाँ पर निदेशक KP देखेंगे यहाँ पर माधुस्वामी ने कहा जो भी आप देखेंगे यहाँ पे, और एक बार जब सलाहकार वितरण के साथ अपनी कह सकते हो यहाँ पर DPR कह सकते जो भी आप देखेंगे यहाँ पर परियोजना की बात यहाँ पर हो रही है जमा कर देगा, तो हम साइट पर काम करना शुरू कर देंगे और जो भी आप काम करना मतलब शुरू कर देंगे और हम इन अपार्टमेंट को लॉन्च करेंगे और लोगों को प्रीमियम आप देखेंगे यहाँ पर गुणवत्ता वाली इकाइयाँ पेश करेंगे, उन्होंने कहा। ये कुछ बयान का नज़र आया हमें। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है न्यूज़ के ऊपर या फिर कह सकते हो स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपने कितने के प्राइस में बाइंग किया है और आप क्या सोच रहे हैं स्टॉक के बारे में सब बता सकते हो कमेंट में। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।